よ。やれやればば。祭りやれば。わあ。トマトがヒルバービビ。Good morning guys and welcome back to the channel. स्वागत है guys आप सभी को फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो अभी कैफे भी देखो गैस पूरा अंधेरा अंधेरा नजर आएगा आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा जो है मुझे रोशनी वगैरह दिखाई देगा, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा क्योंकि कैमरा जो है उतना फोकस नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल गैस अभी हम लोग जो है नाव में हैं और यहाँ पे फिशिंग का ट्रैप भी हम लोग जो है फिर से जा रहे हैं दोस्तों। और कल गैस मैं एक दिन ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि अभी लगभग 7-8 दिन हो रहा है बिजली वगैरह नहीं है, इसी कारण जो है गैस थोड़ा मतलब चार्ज वगैरह बचाता हूँ। और बेसिकली यहाँ पे हमारा तुईचौक और हमारा गांव के बीच में ना एक बड़ा सा पेड़ वगैरह गिर गया और जितना भी वेब वगैरह था ना तार बोलते हैं उसका हम लोग वेब पूरा टूट गया, उसको फिर से बनाना पिछले जो है मेरा चार्ज जो है बचा बचा के ब्लॉग्स वगैरह बना रहा हूँ। बीच में एक दिन में ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। तो फिलहाल गैस अभी जाएंगे जाके जो है फिशिंग करेंगे, जो धूप फेंक के रखे थे वो देखेंगे मछली फंसा कि नहीं। पानी जो है धीरे धीरे सोता हो रहा है, चलते हैं जाते हैं जो भी होता है आप लोगों को दिखाते हैं। अभी गैस हम लोग जो है पहुंच चुके हैं अपना लोकेशन पे, यहाँ पे दिख रहा है ना व्हाइट व्हाइट वाला, यही हम लोग का धूप है। बाकी गैस आज तो मछली नहीं मिलेगा क्योंकि देख रहे हैं ना पूरा इस साइड गया हुआ है क्योंकि पानी इतना स्पीड है क्या ही बोले गैस। अभी यहाँ पे जितना भी व्हाइट व्हाइट वगैरह दिख रहा है ना तो यहाँ पे भी है पूरा मेरा ही मेरा धूप गैस। तो फिलहाल अभी ऊपर के साइड से देख देख के आएंगे। तो यहाँ पे गैस पहला वाला धूप जो है अभी सेकिंग करेंगे मछली है कि नहीं। अभी गैस ये जो है सबसे पहला वाला अभी देखेंगे ये वाला मछली है कि नहीं। अभी गैस उतना मछली नहीं मिलेगा मेरे को लग रहा है, मिलने से भी एक दो मिल सकता है, काफी हुए थे गैस। अरे अरे बाबा मछली है रे बाबा, एक मछली है बाबा। ये धूप कल फेंक के गया था आज मछली मिला, 1 किलो का मछली गैस। यो रे बाबा, ओए ओए मछली आज तो तुझे खाऊंगा, मलाई मार के खाऊंगा तुझे आज। वाह ये मछली काफी टेस्टी होगा गैस। अभी मछली बहुत कम मिलता है गैस, पता नहीं इस साल क्या होगा, पिछले साल तो इतना मछली मिला मुझे। हाँ देख रहे ना वहीं पे है 1 किलो होगा। इतना इसका एनर्जी कितना है इसका देखो। एक्चुअली इसका जो पंख है ना गाइस ये वाला ये तो इसलिए जा नहीं पाता इसको आसानी से, इसको इसका ऐसे लगा देते हैं हो गया बस। अभी पानी में घूम घूम के रहना है इसको। वाओ अभी ये भी काफी अच्छा कैमरामैन बन गया है। अभी इसको 1 साल मेरे साथ घूमेगा ना पूरा कैमरामैन बन जाएगा ये। और देखते हैं गैस और मिलता कि नहीं। तो सारा का सारा धूप भी हम लोगों ने देख लिया है, यानी कि मछली ट्रैप यानी कि फिश ट्रैप। तो अभी फिलहाल गांव में जाएंगे, गांव में जाके हैं और लगभग 8 या 9 बजे आएंगे। फिलहाल एक ही मछली मिला है गैस, मछली अवेलेबल नहीं है इस साल, क्या होगा पता नहीं, या फिर बाद में मछली मिलेगा तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी और 2 बार देखना पड़ेगा, लगभग 9-10 बजे एक बार, उसके बाद 4-5 बजे एक बार शाम को। तो अभी दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे गांव को पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पे आगे जो है हम लोग जो डिबलीबाग का गांव पड़ता है ना तो डिबलीबाग का विलेज में जा रहे हैं अभी। तो उसमें मैंने कॉन्टैक्ट किया कि वहीं पर जो है बिजली आ चुका है, तो एक्चुअली हमारा गाँव में लगभग 7-8 डेज हो गया बिजली नहीं है, कहीं पे फॉल वगैरह जो है गिर चुके हैं उसको बनाना पड़ेगा, लगभग लगेगा 1 हफ्ता और हमारा गांव में करंट आने में।
तो इसलिए दिबलीबाग में जाएंगे। मेरा पावर बैंक भी चार्ज खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, तो वो पावर बैंक चार्ज लगा के आऊँगा। तो अभी चलते हैं गैस, फ़ोन वगैरह चार्जिंग करके आएंगे। अभी पहुँच चुके हैं दोस्तों हम लोग दिबलीबाग, तो देख सकते हैं पानी कितना वहाँ तक गया है। और गैस एक बार आप लोगों को इसको मैं बता दूँ, यहाँ पे एक टावर आ गया गैस दिबलीबाग विलेज में। यहाँ से हम लोग का गाँव 3 किलोमीटर, तो वहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना वो है टावर। लेकिन बात यही है गैस, जो टावर है ना वो BSNL का है बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा है, तो BSNL बोल रहा है। तो मतलब BSNL हो, एयरटेल हो, जियो का हो, जो भी हो, वोडाफोन का हो, आएगा तो मतलब बस हमने चलना चाहिए भाई। तो अभी यहाँ पे टावर जो है खड़ा हो गया है, लगभग कब चालू कर देगा पता नहीं, अभी तक चालू नहीं है। आई होप सो अच्छा खासा इंटरनेट मिले इस टावर से मेरा गाँव में, तो बहुत ही सही होगा गैस, नेटवर्क वगैरह मिलेगा तो वीडियो अपलोडिंग के लिए। अभी गैस पहुंच चुके हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं ना पावर बैंक चार्जिंग में लगा लिया है। तो मेरा दो ही बचा हुआ था और एक दो दिन जाता मेरा, बट मैंने बहुत सेविंग किया है गैस क्योंकि बिजली वगैरह नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गाँव वाले भी आ चुके हैं फोन चार्जिंग के लिए। तो फिलहाल पावर बैंक यहीं पर छोड़ के जाऊँगा गैस और शाम को ही लेने आऊँगा क्योंकि ये चार्जिंग में बहुत टाइम लेता है। अभी गैस मोबाइल वगैरह भी चार्ज करके आ चुका हूँ मैं, और पावर बैंक जो है वहीं पे छोड़ के आ चुका हूँ, शाम को लेके आऊँगा क्योंकि पावर बैंक चार्ज होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे गैस आप लोग जो भी दिख रहे हैं ना पूरा देखो पूरा टूट रहा है, मतलब ऐसा है ना कि यहाँ पे मतलब बर्फ़ पानी होने के साथ साथ आर्थक्वेक भी हुआ था उसी दौरान जो है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह पूरा ऐसा ही होता है, तो खेती पूरा बर्बाद हो रहा है हम लोगों का। धूप फिर से अभी सेकिंग करेंगे गैस, तो अभी अच्छा खासा मछली मिलेगा तो आप लोग को दिखा पाऊँगा, क्योंकि अभी जो है तीन तीन हो चुके हैं हम लोग, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो फिलहाल यहाँ यही पे मेरा धूप लग रहा है गैस, तो शायद आप लोगों को बोरिंग लगेगा बार बार गैस वही दिखाना हो। गैस एक्चुअली जो है यहाँ पे मतलब पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है ना, इसी कारण जो है अगर लैंडस्लाइड वगैरह होता है ना पानी के आसपास मछलियाँ बहुत कम मिलता है, तो मछलियाँ मिलने का कम चांस है गैस, क्या करें पता। अभी फिर से चेकिंग करते हैं मछली पाता कि नहीं, नहीं पा रहे बाबा। इसको जो है बार बार गैस जितना बार देखोगे दिन में डेली तीन बार जो है इसको साफ सफाई करना होता है गैस। ये वाला जो है क्या बोलता है, ये जिस टाइम पानी भरा हो रहा था ना उसी टाइम जो है ये वाला पानी के अंदर चला गया था। अभी जस्ट कितना 3-4 दिनों के बाद जो है ये मिल गया, बात इसका हालात देखो कैसा हो गया है। मछली तो एक आ गया, बात यहाँ पे देख रहे ना गैस ये पूरा टूट गया, ये टूट गया, इसको चेंज करना पड़ेगा। देख रहे ना मछली घुसने के लिए जगह भी नहीं गैस कैसे घुस गया होगा भाई, फिर भी सही है अच्छा खासा। और बेसिकली गैस तिविसा ना कल उसको मछली चाहिए, कल खाना भी नहीं खाया वो, उसको मीट भी उतना उसको अच्छा नहीं लगता, खाली जो उसको वो चाहिए मछली वगैरह, इसीलिए से फिशिंग करता हूँ उसके लिए। बाकी ये वाला हटा तो देता हूँ मैं, कुछ धूप में गैस मछली वगैरह नहीं मिलता है, इसमें भी नहीं है, अरे बाबा सारा का सारा धूप में मिल जाएगा, तो मतलब एक बार में मुझे 16 मछली मिल जाएगा, 16 मछली। और यहाँ पे मछली गैस मैंने बांध के रखा हुआ है, 1 किलो नहीं होगा, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा। सुबह जो मिला था वो तो घर में रह के आ चुका हूँ, उसको घर में जाके जो है पका के खाना है, तो इसमें गैस कुछ भी डालना नहीं पड़ता है। और आप लोग बोलेंगे फिर से क्या डालते हो क्या, एक भाई पूछ रहा था कि इसके ऊपर जाला वगैरह लगाऊंगा कि नहीं फिशिंग नेट, तो ऐसा नहीं है भाई, खाली जो है आपको ये बना के जो है फेंकना है, मछलियाँ लोग जो है जाता है अंदर घुस जाता है तो बाहर निकाल नहीं पाते वो लोग, मतलब सेफ्टी जगह सोच के इसीलिए ऐसे जाता होगा मेरे ख्याल से, तो ऐसे फेंको कुछ भी देना नहीं पड़ता है, ना दाना ना चावल वगैरह कुछ भी। तो फिलहाल अभी जो है और आधा हो चुका है और आधा बाकी है हम लोग का डूब देखने के लिए। बस भूल जाता हूँ मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं ना यहाँ पे एक मछली और गैस, तो आज तो मलामाल होने वाले हैं हम लोग मलामाल, लेकिन छोटा छोटा मछली से कौन मलामाल होगा यही पे रखना पड़ेगा, आधा किलो जैसा ही होगा। वाह, और ये बड़ा देखते हैं गैस इसमें है कि नहीं मछली, लोग छोटा छोटा है, पिछली साल तो काफ़ी सारा मछली मिला मुझे गैस, इस साल मछली बहुत कम हो चुके हैं,
अभी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं, ये वाला मछली जो है खाएंगे। एक किलो से थोड़ा ज़्यादा का जो सुबह मिलाता है ना, और अभी अभी जो मिला है यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। और अभी अभी जो मिला है यहाँ पे एक गैस, तो ये किसी के लिए रख दिया है मैंने, अभी तक एक भी मछली सेलेक्ट नहीं किया है। और यहाँ पे एक ये भी किसी के लिए रख दिया है, तो ये बिल्कुल जो है फ्री में दे दूँगा। और अभी फिलहाल जाएंगे हम लोग जो है मछली बनाना। अभी घर में पहुँच के गए, सबसे पहले जो है मछली को पीस बनेगा। पीस बनने के बाद जो है पकाएंगे, पकाने के बाद जो है लॉन्च करेंगे। तो यार बिजली होता तो कितना अच्छा, उतना लाइट वगैरह होता, क्योंकि इतना फास में वगैरह। अभी गैस मछली जो है यहाँ पे ऑयल को गर्म किया है, और यहाँ पे प्याज वगैरह सब कुछ डाल दिया है। वाओ, वही सेम तरीका गैस पिछली बार जैसे खाया था वैसे ही। तो और अलग दिन में अलग से पका के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अभी आजकल मछलियाँ ही मछलियाँ। मैं जिस टाइम बेंगलोर में काम करता था गैस, लगभग एक दो साल पहले, उस टाइम मुझे क्या बोलता है पता है, मैं क्योंकि मैं फिशिंग वीडियो बनाता हूँ, उस टाइम भी मेरे पास एक चैनल था, मुझे मछली बुलाता था। पूरा कंपनी में मछली बोलेगा तो पूरा कंपनी वालों को फटा होता है। तो यही है गैस, मछली ऐसे पकाता हूँ, इतना भूख लग रहा है। अभी 11 हो चुका है टाइम, होने दो, कुछ देर बाद मिलते हैं। अभी फिलहाल गैस बैच चुके हम लोग लॉन्च पे। त्रिशा को देखो कल खाना नहीं खाया, इसलिए जो है मछली नहीं, तो जो है मुझे मछली सेलिंग करना था, ये मछली नहीं होता तो खाना कम खाता है। तो अभी मछली से खाना खा रहा है फिलहाल। ये वाला हेट में खाऊंगा गैस, हेट दिख गया ना। गर्मी है बहुत। A few moments later. डेली जो है तीन बार धूप को देखना होता है ना, अभी शाम को आ चुके हैं। पिछली साल तो इतना मछली मिलता था गैस, इस साल जो है कम है, पता नहीं अभी शायद अभी स्टार्ट नहीं हुआ या फिर बाद में जो है मछली वगैरह मिलेंगे। 12 वाला है, तो ये 12 इसका रोल नंबर 12 धूप का ऊपर से देख के आ रहे हो और उस साइड में है। तो इस यहाँ पे एक मछली घुस गया गैस, देख सकते हो कितना बड़ा मछली गए। वाओ, अभी जो है इसको निकालूंगा गैस। लगभग 4 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से लग रहा है, इतना मछली गैस। हो निकाल लिया गैस। अभी देखो गैस कितना बड़ा मछली, इसको बोलते हैं सीदोल, सीदोल मछली। 4 किलो होगा, 4 किलो, 4 किलो गैस। A few minutes later. अभी गैस फिर से और दो मछली मिला है, एक ही साथ में दो मछली पास गया, देख रहे हो ना, यहाँ पे दो दो मछली पास गया एक ही बार में गैस। बट सॉरी गैस आप लोगों को, आप सभी से, क्योंकि अब जिस टाइम उठाता उस टाइम दिखा नहीं पाता, उठाने के बाद ही दिखा पाता, क्योंकि मतलब तीन आदमी के सही होता है ना गैस, एक नाव को कैरी करने वाला, कैरी नहीं करेगा तो डूब जाएगा नाव, इसलिए कैरी करना है, मैं डूब को उठाता हूँ, इसलिए जो है ये करना होता है भाई, तीन आदमी होने से आराम से दिखा सकता था। वाह 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 वाह, ये लो भाई, अभी इस पर जाओ तुम। हो गया, अभी बांध के रखना पड़ेगा इसको। मछलियों का हाथ का भी गैस, और एक है मछली, उसको भी लेके आता हूँ। कभी कभी एक साथ में 3-4 मछली भी फंसता है एक ही धूप में, क्योंकि एक साथ घूमता है ना मछलिया लोग। हो गया ये भी, बहुत मछली खा लिया गैस जब से फिशिंग करा तब से, बस ये वाला सेलिंग करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गैस, तो ब्लॉग जो है कल मेरा एंड नहीं हो पाया था, एक्चुअली बिजली नहीं है गैस, लगभग 5 डेज हो गया बिजली नहीं है, इसी कारण कल जो है वहीं पे ब्लॉग बनाते बनाते चार्ज खत्म हो गया। फिर जो है वहीं से आने के बाद जो मछली मिला था ना मुझे, वो मैं 4 किलो सोच रहा था, 5 किलो हो गया गैस, और बाकी वो भी 3 किलो, 2 किलो यहाँ पे भाई लोगों को भी दिया और मैंने भी खाया, और 6 किलो मछली सेलिंग किया। लगभग यहाँ पे 350
लगभग गैस मुझे 2000 पैसा मिला है। कल मैंने जितना भी मछली वगैरह सेलिंग किया है तो कल काफ़ी मछली मिला है मुझे एक्चुअली। ऐसा मतलब बार बार नहीं मिलता, ऐसे कभी कभी महीने में 3-4 बार ऐसा मिलता है। तो ऐसे ही है, ऊपर से मेरा पेट्रोल भी खर्चा होता है ना, उसमें इंजन ऑयल भी डालना होता है। और अभी फिर से मैं जा रहा गैस यहाँ पे देख सकते इंजन ऑयल डालने के लिए। तो काफ़ी दुख की बात है गैस, आप लोग को दिखा नहीं पाया। उससे आने के बाद जो है मैंने फिर दीपलीबाग गया, दीपलीबाग जाके फ़ोन वगैरह चार्जिंग करके लेके आया और यही है, और पावर बैंक भी वही पे था ना, इसलिए दिखा नहीं पाया। और रात भी हो गया था मछली यही पे गांव में सेलिंग किया उस गांव में। तो ऐसा ही गैस, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।